आपको क्या लगता है कि आईसीसी नोट नहीं करता? आईसीसी पागल है, वो इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रहा है, शादी की कुर्सियां लगा दी है, मतलब शादी की कुर्सियों पे आके इंटरनेशनल, मतलब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जो वीडियो है वो है चैंपियन ट्रॉफी का। आज ये बता दूं आज आईपीएल और पीएसएल की वीडियो नहीं है, वो टॉपिक को हमने छोड़ दिया। इस वक्त इतनी धूप में इसलिए बैठे हुए की आज कराची में बहुत ही ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। सर्दी में इतनी सर्दी नहीं पड़ी जो आज पड़ रही है, ऐसा ये उल्टे हो गए ना हम लोग। है ही पाकिस्तान के काम उल्टे, तो ऊपर वाले ने बोला इनके साथ काम भी उल्टे करूंगा। अब हम धूप भी लेंगे और आपसे बात भी करेंगे। तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा। अभी जो आप पीएसएल से लेके पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान के स्टेडियम्स की, पाकिस्तान की सिचुएशन देख रही हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर सकता है भाई आप, अभी भी इस सिचुएशन में? पीएसएल में ये देखो ना, शादी की कुर्सियां लगा दी है, मतलब शादी की कुर्सियों पे आके इंटरनेशनल, मतलब शादी की कुर्सियां तो लगा दी। फिर आपने वो देखा कल के मैच में पिंडी स्टेडियम में क्या हुआ है? हाँ। कल के स्टेडियम में, पिंडी स्टेडियम में जब बारिश हुई तो लोगों ने यूं कुर्सियां उठा के ना अपने सर पे रख ली। सही कसम से वो तस्वीर आई है, वो मैं चलाऊंगा अभी वीडियो में। यार आपके पास कोई एक ऐसा स्टेडियम नहीं है जिसके अंदर छत हो। अच्छा देखो, चैंपियन ट्रॉफी कराने का मकसद ये कि टीम्स तो आएंगी लेकिन वहाँ के लोग भी आएंगे। भाई मैं एक बात बताऊँ, क्या हमारा इंप्रेशन पड़ा? मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो जो ये पीएसएल 9 चल रहा है ना, इसमें जो हमारी बदनामी हो गई है माशाल्लाह से पूरी दुनिया में, ये नहीं होना चाहिए था। फिर ये होता कि ठगी रहती चीजें, इतनी बदनामी हो गई है ना, जब ये खाली पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है, अपनी फ्रेंचाइज के प्लेयर्स खेल रहे, अपने अपने लोग खेल रहे, उस पर तो जब आईसीसी यहाँ पर, जब हमें समझ में नहीं आ रहा तो लोगों को किस तरह से समझ, जब आईसीसी यहाँ पर आएगा ना मेरे भाई, आईसीसी अपना इवेंट कराने आएगा तो फिर कोई चुप नहीं बैठेगा, फिर सब लोग बोलेंगे। तो मेरे भाई आप मुझे बताओ ना, अभी अगर यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी होता है तो मैं और आप जाएंगे व्लॉग बनाने, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि यार हमारे पास पावर बैंक हो, हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हो व्लॉग के, आप अंदर ही लेके नहीं जा सकते स्टेडियम में। यार मेरा एक सवाल है, पावर बैंक से सिक्योरिटी का क्या ताल्लुक? मतलब पावर बैंक अब अंदर लेके नहीं जा रहे हो तो क्या ताल्लुक? भरोसा नहीं ना कि कोई खींच के नहीं मार दे, ये भी तो हो सकता है ना भाई। इस तरह अपने अपने घर से कोई खाना, कोई भी बाहर से चीज आप लेके जा सकते हैं। चलो ये चलो मान सकता है बंदा, लेकिन यार इनफैक्ट जो चीजें हैं व्लॉगर्स की वो तो आप लेके जाना। अरे यार आप देखो, वो चलो मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही आगे निकल गया, लेकिन लॉर्ड्स के स्टेडियम में सही है, वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी व्लॉगर्स गए हैं जिन्होंने दिखाया है कि भाई देखो हमने घर से खाना पैक किया है और हम लेके जा रहे हैं स्टेडियम में। लेकिन मसला क्या है, वो फिर फेंक कर नहीं आते वहाँ पे चीजें, वो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। चलो ये सारी बातें तो एक अलग है, अब ये बताओ कि पाकिस्तान और इंडिया भी टकराएगा बीच में तो भाई वो मैचेस कहाँ होने वाले? भाई देखो मेरे हिसाब से देखो, अभी जो कुछ अरसे पहले हमने वीडियो बनाई थी कि जय शाह जो है वो चेयरमैन तो है, सही है, उसके सॉरी बीसीसीआई के सेक्रेटरी तो है, लेकिन वो चेयरमैन भी बनने वाले हैं आईसीसी के, ठीक है। तो उसी से मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो ऐसा लग रहा था सिर्फ इंडिया अपने मैचेस एशिया कप की तरह हाइब्रिड वेन्यू पे खेलेगा, लेकिन हाँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से अब चले गई, क्योंकि यार देखो अभी अगर पीएसएल थोड़ा सा पीसफुल हो जाता ना, और ये जो स्टेडियम की लाइट्स के मसले, आपको क्या लगता है कि आईसीसी नोट नहीं करता? आईसीसी पागल है, वो इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चला रहा है कि उसको ये चीजें पता नहीं होंगी कि यार पाकिस्तान में अभी आप देखो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, पीसफुली हुआ, ठीक है, हालांकि काफी लोग बातें कर रहे थे यार नहीं होना चाहिए और ये वो, लेकिन हुआ, ठीक है। अब क्या आईसीसी ने नोट नहीं किया होगा? तो भाई आईसीसी जब अगला इवेंट कराएगा ना तो भाई इंडिया को तरजीह देगा, ठीक है। आप ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि यार अभी अगर आपका पीएसएल अच्छे से हो जाता, आप अगर एक्सपोज नहीं होते तो मेरे भाई फिर आप छुपे हुए होते, ठीक है, फिर जो होता वो होता। यानी हमारी ये प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान जो है अब इस बार वो होस्ट नहीं करने वाला। पाकिस्तान होस्ट, यार बस समझ लो अभी वो नाम का लिखा हुआ आ रहा है चैंपियन ट्रॉफी 2025 होस्ट पाकिस्तान, वो नाम का लिखा हुआ आ रहा है। मेरे हिसाब से या तो ये चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी दुबई जा रही है, या फिर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस तो कंफर्म है ही। यार वो तो एक अलग चीज है ना, वो तो कंफर्म है ही ना। अब मैं बात कर रहा हूँ जो और मैचेस यहाँ पे होने थे इंडिया के अलावा, वो तो शुरू से ही हमें जब वो पहली दफा अनाउंसमेंट हुई थी तो शुरू से ही भारत, बाकी अभी बीच में जो T20 होगा उसमें भी हमारी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी सामने खुलकर आई जाएगी और भाई चैंपियन ट्रॉफी में क्या होने वाला है। दूसरी बात मैं आपको एक बताऊं, ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ना, ठीक है, जिसमें लोग बोल रहे हैं यार पाकिस्तान इंडिया, देखो दोनों टीमों का कंपैरिजन है
और कंपैरिजन रहेगा और दोनों टीमें आपस में हमेशा कंपेयर होती रहेंगी। लेकिन ये जो 9 जून वाला मैच है ना भाई, यूएसए के अंदर ना भारत खेलिए और यूएसए के अंदर ना पाकिस्तान खेलिए, ठीक है? तो दोनों के लिए न्यू पिच है, दोनों के लिए न्यू ग्राउंड है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है उस। अभी मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान टीम को अपना मोराल पकड़ना है ना, तो ये T20 वर्ल्ड कप उनके पास बहुत अच्छा चांस है। इसके अलावा भाई आप लोग फारिग हो चुके, क्योंकि फाइनल में ऑलरेडी सेमीफाइनल से पहले ही पाकिस्तान टीम वापस आ गई। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल से पहले वापसी आ गई थी, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ अभी जो आपका डाउनफॉल शुरू हो गया था ना, अभी तक जो चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग भी आपकी नीचे आ गई है, तो आपके पास एक वापसी ग्रिप करने का मौका है। अभी आप वो ऑस्ट्रेलिया से हारे सीरीज, सही है, आप टेस्ट हार कर आए, उसके बाद आप न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार कर, T20 सीरीज हार कर आए, तो अभी आपके पास एक मौका है अपना मोराल को ऊपर करने का। ये T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा मौका है। सो आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?